HTML का हेलो वर्ल्ड करने जा रहे हैं हम, ठीक है। हम आज एक पहली वेबसाइट बनाने जा रहे हैं इस क्लास में। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके लिए ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा होगा कि वो वेबसाइट बना रहे हैं? सबके लिए, एक दो लोगों को छोड़ के बाकी लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा कि वो वेबसाइट बना रहे होंगे। अच्छा, तो आप, हम सब लोग इंटरनेट के डेली यूज़र हैं, डेली हम डिफरेंट वेबसाइट विज़िट करते हैं, तो आर यू एक्साइटेड कि हम आज एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड करने जा रहे हैं? चलें शुरू करते हैं हम। ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम हेलो वर्ल्ड बनाएंगे। अच्छा, अब वो हेलो वर्ल्ड के लिए हमें क्या करना होगा, ये मैं आ गया, किसी भी फोल्डर में आ गया मैं, ये ठीक है। मैंने आपकी क्लास के लिए एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैं, ये लास्ट भी हमने गिट का भी प्रैक्टिस इसी फोल्डर में की थी। अच्छा, इस फोल्डर का एक्सेस आप सब लोगों को है आई होप, अगर किसी को नहीं है एक्सेस तो आप क्या करेंगे, आप जाके इंज़माम मलिक गिट हब ऐसे लिखेंगे ना, तो ये मेरी गिट हब आ जाएगी पहले नंबर पर, सही है। तो इसमें आप चले जाएंगे और चल जा भाई, ठीक है। तो ये जो मैं कोड जो भी लिख रहा हूँ क्लास में, उसका एक्सेस आज अगर किसी को नहीं है तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आप मेरी प्रोफाइल पे आ गए github.com पे, आप चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, क्योंकि ये डेवलपर्स का सोशल मीडिया है। तो माशाल्लाह आप सब लोग भी क्या बनने जा रहे हैं, डेवलपर बनने जा रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनने जा रहे हैं। यहाँ से आप जाएंगे रिपोजिटरीज़ में, ये जो यहाँ रिपोजिटरीज़ लिखा हुआ है ना, इसमें जाएंगे आप, और यहाँ पे आपके पास ये ASF सेक्शन A और सेक्शन B करके यहाँ पे रिपोजिटरी है आपका, क्योंकि सेक्शन ए है तो आपका सारा का सारा कोड इस रिपोजिटरी में पुश हुआ करेगा। तो इस सेक्शन ए के अंदर जाऊंगा मैं, तो लास्ट हमने जो बात लिखी थी ना कि एक माई टेक्स फाइल हमने ये बनाया था, जो है ना माई टेक्स फाइल करके हमने एक बनाया था, तो वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अभी जो मैंने आज कोड लिखा है वो मैंने इधर पुश नहीं किया। अच्छा, तो ये index.html की फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल ये वाली मौजूद है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है, सही है। अच्छा, जो ये मैं बता रहा हूँ ये वाला आप सब लोगों को करना भी है, अगर अभी टाइम बच गया तो अभी करके जाइएगा, अदरवाइज आपने ये घर से करके जाना है। तो आप लिखेंगे इसका नाम index.html, ठीक है। इस फाइल का नाम ना एग्जैक्टली यही होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल लेटर से, तमाम स्मॉल लेटर से index.html, इसका नाम एग्जैक्टली यही होना चाहिए। अगर इसका नाम आप ये नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका नाम आपने यही रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, जैसी फाइल बनाएंगे तो सामने वो फाइल ओपन भी हो जाएगी साथ साथ, यहाँ पे जाके आपने लगाना है एक्सक्लेमिनेशन मार्क। ये एक्सक्लेमिनेशन का जो बटन होता है आपके कीबोर्ड में, ये 1 का जो बटन होता है ना, उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आ जाएगा ये। अच्छा, जैसे ही एक्सक्लेमिनेशन मार्क दबाएंगे ना आप, तो ये देखें नीचे 2 सजेशन आ रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने क्या किया, एक्सक्लेमिनेशन मार्क दबाया और उसके बाद टैब का बटन दबा दिया या एंटर दबा दिया। तो ये कुछ बेसिक कोड ना इन्होंने लिख कर दे दिया मुझे पहले से, ठीक है। अच्छा, तो आपने एक्सक्लेमिनेशन मार्क दबाया और टैब का बटन दबा दिया, जो टैब कैप्स लॉक के ऊपर जो होता है टैब। अच्छा, ये फैसिलिटी जो है मुझे किसने प्रोवाइड की है, ये जो कोड स्निपेट मुझे छोटा सा कोड लिख के दे दिया पहले से, ये फैसिलिटी मुझे इस कोड एडिटर ने प्रोवाइड की है। अच्छा, अगर आप VS कोड इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये शॉर्टकट होगा तो सही उसमें भी, क्योंकि सब में होता है ये, लेकिन हो सकता है एक्सक्लेमिनेशन मार्क से ना हो, किसी दूसरे तरीके से लगता हो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट जो है आमतौर पर जो टेक्स्ट एडिटर कोड लिखने के लिए बनाए जाते हैं, अच्छा जैसे एक तो नोट पैड होता है ना, वो भी टेक्स्ट एडिटर है जो विंडोज़ में होता है, उसमें नहीं होगा ये, उसमें तो ये फीचर होगा ही नहीं, क्योंकि वो कोड लिखने के लिए नहीं बनाया गया, वो वैसे ही कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए उन्होंने बना दिया। अच्छा, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने H1 एक लिखा मैंने, जैसे ही H1 मैंने लिखा तो देखें आप ये एक सजेशन आ रही है नीचे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं टैब भी दबा सकता हूँ और एंटर भी दबा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने टैब दबा दिया, H1 आ गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर लिखा हेलो, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, हेलो वर्ल्ड, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि फिर आप इसी तरह इसको फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे जाके एक मैंने लिखा P, जैसे ही मैंने P लिखा था वो सजेशन आ गई। अच्छा, अभी हमने 2-3 ही मार्कअप सीखे हैं तो उन्हीं में कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्कअप नहीं सीख रहे हम, तो यही 2-3 मार्कअप से ही आपको करना है,
अच्छा एंटर कर दिया मैंने, या टैब भी दबा सकता था मैं, सजेशन जब आएगी तो दोनों कीज़ उस पर काम करती हैं, एंटर भी और टैब भी। मैंने एंटर दबा दिया। अब पैराग्राफ में मैंने लिखी है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ। अच्छा अब ये हमारी एक छोटी सी वेबसाइट बन गई जिसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, दैट्स इट। अच्छा इसको अब हमें चलाना कैसे है? इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो HTML लिखा हुआ है ना जहाँ पे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे मैंने करना है राइट क्लिक। और यहाँ पे राइट क्लिक करते ही ना आपके पास एक आ रहा होगा कॉपी पाथ, ये वाला जो फर्स्ट वाला कॉपी, एक तो सेकंड ये रिलेटिव है, ये नहीं, जो सिंपल कॉपी पाथ है ना ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इसी तरह से शो होगा क्योंकि VS कोड का एक्सपीरियंस तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जैसा है। तो मैंने कॉपी पाथ का बटन दबा दिया जिससे कॉपी क्या हो गया, जो इस फाइल का जो एड्रेस था, ठीक है, वो कॉपी हो गया मेरे पास। ब्राउज़र में मैं जाऊँगा, एक नया टैब ओपन करूँगा और पेस्ट का बटन दबा दूँगा, सही है, कंट्रोल वी या कमांड वी जो भी है। तो आप देखें ये ना पूरा, ये पूरा पाथ इसका कॉपी हो गया था। अच्छा विंडोज़ मशीन में ये सी ड्राइव से होगा कि सी कॉलन स्लैश स्लैश और फिर वो माई कंप्यूटर जो भी होता है उसके अंदर वो पूरा होगा। अच्छा क्योंकि मैं मैक मशीन पे हूँ तो मैक के अंदर वो होम डायरेक्टरी से शुरू होता है, अलिफ मद्दा से शुरू होता है वो, तो ये वहाँ से सारा आया है, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने इधर पेस्ट किया और एंटर करूँगा ना तो ये पेज खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप अल्टरनेटिवली ये जाके ना ये जहाँ पर ये फाइल बनी हुई है इसको मैं राइट क्लिक करके ना ओपन ओपन फाइल लोकेशन की मैंने ओपन इन फाइंडर, तो यहाँ पे जाके मैं उसको डबल क्लिक करके भी खोल सकता था, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड ना, मतलब आप जब यहाँ से वो काम हो रहा है ना तो आप यहीं से उसको करेंगे, ठीक है। तो दोनों कर सकते हैं, दोनों सही है वैसे। अच्छा जी तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये वाला एक छोटा सा एक वेबसाइट बन के और उसमें एक दो मार्कअप लगा के और उसको मैंने मेरे ब्राउज़र के ऊपर क्या कर लिया, चला के देख लिया, ठीक है, ये मेरे ब्राउज़र पे चल के आ गया। सब लोगों को समझ आया इतना, कोई मुश्किल तो नहीं है इतना? अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में गया, ठीक है, मेरे केस में मैंने वो ASF वाले फोल्डर में गया जो आपकी क्लास के लिए मैंने बनाया। अच्छा और उसमें मैंने क्या किया, index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाई, ठीक हो गया, index.html के नाम से फाइल बना के उसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर जाके एक्सक्लेमिनेशन मार्क लिखा तो ये कोड स्निपेट लिखा हुआ आ गया। अच्छा ये जो कोड स्निपेट है ये क्या है, ये जो कोड का टुकड़ा जो हमें उसने लिख कर दिया खुद से, उसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट, ठीक है। बॉयलर प्लेट क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हमें कुछ थोड़ा सा कोड पहले से चाहिए होता है ना तो वो बॉयलर प्लेट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी वाली चीज़ क्या है वो अभी हम स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जब जाएंगे तो हम एक एक करके सीखेंगे कि अच्छा यार इस HTML का मतलब क्या है, ये डॉक टाइप क्या चीज़ होती है और ये आपका जो टाइटल है ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। बट ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो ये हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे हो गया। अभी चैप्टर नंबर 1 में ना हम इस एक एक करके इसको अब सीखेंगे कि इनमें से एक एक मार्कअप का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा ये हो गया जी। तो ये स्निपेट लिखने के बाद बॉडी के अंदर आके मैंने यहाँ पे दो मार्कअप लगा दिए जो हमने अभी तक सीख लिए हैं, इंट्रोडक्शन करते हुए हमने ये सीख लिया दो मार्कअप, एक तो H1 जिसका मतलब है कि हेडिंग नंबर 1, ये लिख लिया मैंने। अच्छा उसके बाद एक अदद पैराग्राफ मैंने लिख दिया P के टैग से, ये लिख दिया मैंने। अच्छा तो यहाँ पे आपका जो हेलो वर्ल्ड है ना ये कंप्लीट हो गया। अच्छा इतना करने के बाद मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी पाथ ये दबाया जिससे कॉपी हो गया ये इस फाइल का पाथ, इस फाइल का एड्रेस जो मेरे हार्ड ड्राइव में ये कहाँ पे पड़ी हुई है वो कॉपी हो गया। और वो कॉपी करने के बाद मैंने उसको इधर आके ना ब्राउज़र में पेस्ट किया और एंटर किया तो ये फाइल खुल गई। मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा नया टैब ओपन किया, पेस्ट किया और एंटर किया तो ये फाइल खुल गई। अच्छा अब जब जब मैं इस फाइल में कोई चेंज करूँगा, मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड ABC लिखा मैंने आगे, तो एक तो ABC लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर जो छोटा सा ये बलून आ रहा है इसका मतलब होता है कि ये फाइल सेव नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं इस फाइल को पहले क्या करूँगा, सेव करूँगा, ठीक है, कंट्रोल S दबा के वो सेव किया तो वो गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, ये फ़ौरन मुझे नहीं दिखेगा, मुझे रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश का शॉर्टकट है कंट्रोल R, या आप ये अल्टरनेटिवली ना ये छोटा सा बटन है इसको भी प्रेस भी कर सकते हैं, इसको प्रेस करने से भी रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। वैसे कंट्रोल R है विंडोज़ में, F5 से भी रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल R लेकिन यूनिवर्सल है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, ठीक है। तो कंट्रोल R दबा के मैंने इसको क्या कर दिया, रिफ़्रेश कर दिया इस पेज को। सही है, क्लियर है, बिल्कुल ज़बरदस्त, ओके। अच्छा इतना
अभी जो हमने आज की क्लास में जो बात समझी है, इतनी बात समझने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि HTML जो होता है वो मार्कअप लैंग्वेज होता है। अच्छा, और मार्कअप लैंग्वेज में जाहिर है वो मार्कअप्स होते हैं भाई, एक हेडिंग है, एक अंडरलाइन है, एक बुलेट पॉइंट्स हैं, एक टेबल है, इस तरह के मार्कअप्स होंगे, एक सर्टेन नंबर ऑफ मार्कअप्स होंगे ना, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, एक लिमिट होगी, इतने मार्कअप्स हैं इसके अंदर, ये सारे मार्कअप आप चलते कैसे कैसे हैं वो आपने देख लिया, तो ये HTML आपकी पूरी होगी। ठीक है, तो HTML में तो और तो कुछ भी नहीं है, सही है, तो ये मार्कअप्स हैं सारे। अच्छा, तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ तमाम मार्कअप्स की। एक तो बुक है आपके पास, उसमें पूरे मार्कअप डिस्कस हुए हैं, लेकिन मैं आपको अलग से ना एक लिस्ट दिखा देता हूँ तमाम मार्कअप्स की। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं ज़रा हम जल्दी से यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, इसको आपने गिटहब में पुश भी करना है। ये मैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उनका असाइनमेंट में किसी का भी जब तक गिटहब में पुश नहीं होगा ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये मैं पहले बता दूँ आपको। तो ये जो भी कोड मैंने अभी लिखा है, इसको मैं क्या करूँगा, गेट एड स्टैरिक एंटर। ठीक है, गेट कमिट माइनस एम और माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, एंटर। ठीक है, उसके बाद तीसरी कमांड क्या लिखते थे हम, गेट पुश एंटर। ठीक है जी, ये पुश हो गया। अब मैं जाऊंगा अपने github.com पे, तो ये मुझे ये रिफ्रेश करूंगा या जाके मुझे वो फाइल नज़र आ जाएगी। ठीक है, हो जा भाई रिफ्रेश यार, ये रहा देखो index.html की फाइल नज़र आ गई। मैंने जो कमिट का मैसेज लिखा था वो भी मुझे माई फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और कमिट का इसने ये भी बता दिया कि अब इसमें दो कमिट हो चुकी है, एक हमने लास्ट क्लास में किया था, एक आज किया, तो दो कमिट बता रहा है। इस कमिट पे क्लिक करूंगा तो अंदर जाके ये मुझे दिखाएगा भी कि अच्छा यार, पहला कमिट जो था उसमें आपने बात ये लिखी थी, दूसरे कमिट में बात आपने ये लिखी थी। ठीक है, मैं चाहूँ तो अपने कोड को हिस्ट्री में पीछे जाके ब्राउज भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस लेवल पे जाके ना ये बटन दबाऊंगा, है ना, ब्राउज द रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट इन हिस्ट्री। जब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा ना, तो इस पॉइंट पे कैसा था मेरा कोड वो खुल जाएगा। ठीक है, क्लिक करूंगा उसके अंदर चला जाएगा। वेल, अभी ये डिस्कस करने की बात नहीं है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, github.com पे पुश कर दिया। तो ये आप सब लोगों ने करना है। ठीक है, जो भी ये आप हेलो वर्ल्ड जब बनाएंगे तो आपने github.com पे लाजमी पुश करना है। अच्छा, एक और बात, जितने भी असाइनमेंट्स आपको अब मिला करेंगे, हर असाइनमेंट आपने एक अलग github रिपोजिटरी में बनाना है। ठीक है, हर असाइनमेंट आपने एक अलग से github रिपोजिटरी बनानी है उस असाइनमेंट के नाम से। अच्छा, मैंने तो एक ही बनाया हुआ फोल्डर, क्योंकि वो फिर जाहिर है अगर बहुत सारी रिपोजिटरी बना दूंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सारा कोड कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि जितने भी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे उसका हर असाइनमेंट के नाम से एक रिपोजिटरी बनानी है। जैसे किसी दिन मैंने कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया, तो आप रिपोजिटरी बनाएंगे github में जाके कैलकुलेटर ऐप या कैलकुलेटर वेबसाइट, या सिर्फ कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, उसमें वो सारा का सारा कोड आप पुश करेंगे। सही है, उसके बगैर असाइनमेंट सबमिशन किसी की भी मैं नहीं लूँगा। ठीक है, अब वो क्यों, उसका फ़ायदा क्या है, वो हम अभी आगे डिस्कस हो जाएगा खुद। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब मैं आपको क्या दिखाने लगा था कि तमाम HTML के जो मार्कअप है ना, उनकी एक लिस्ट आपको मैं दिखाने लगा था। तो मैंने कहा कि भाई ऑल HTML एलिमेंट लिस्ट। ठीक है, अच्छा, मार्कअप को ना एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक और यह नाम आपको पता चल गया, वैसे तो हम मार्कअप कहते हुए आ रहे थे, लेकिन बुक्स में और ज़्यादातर जगहों पे ना आपको जो वर्ड मिलेगा वो ज़्यादातर यूज़ होता हुआ मिलेगा एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि मार्कअप ना इज़ अ जनरल वर्ड ना, कि मार्कर से जो मार्कर लगाते हैं तो वो मार्कअप होता है। तो इन्होंने HTML स्पेसिफिक एक वर्ड बना लिया एलिमेंट के नाम से। तो एलिमेंट जब बोलते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा यार, HTML एलिमेंट की बात हो रही है, ये वो वाला मार्कअप नहीं है जो मार्कर से हम पेज पर लगाते हैं, कॉपी पर लगाते हैं। अच्छा, तो ये आ गया W3 स्कूल, सबसे पहला लिंक HTML एलिमेंट्स। ठीक है, ये लिंक आ गया, ये लिंक मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। ये लिंक मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, और लिंक कॉपी करके मैंने कहाँ पे लगा दिया, ये आपकी जो वेबसाइट है ना इसी पे ही लगा दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ रहा है, तो जब आप ये मेरी रिपोजिटरी में जाके इसको आप एक्सेस करेंगे ना, तो ये लिंक आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, इसको कॉपी करके आप डायरेक्ट खोल लीजिएगा, या अल्टरनेटिवली जो मैंने लिखा है गूगल पे वही लिखेंगे तो सेम चीज़ आपको भी नज़र आ जाएगी। अच्छा, देखिए अब क्या है, इसमें जितने भी HTML के मार्कअप्स हैं ना, उनकी एक लिस्ट है।
यार ये कुछ गड़बड़ हुआ, सही नहीं खुला कुछ ये। हाँ ये सेकंड वाला है सही, वो गलत मैंने लगा दिया था पहले, इसको कट करता हूँ। ये सेकंड वाला लिंक जो है ना ये सही है, ये आ गया। अब इसके अंदर ना HTML के जितने भी पॉसिबल मार्कअप है ना सारों की लिस्ट है ये, सही है। अच्छा देखते जाते हैं। अच्छा तो हम देखते हैं कि CV बनाने के लिए, CV आप सब लोगों ने बनाई होगी कभी ना कभी, ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी अगर नहीं भी बनाई किसी ने तो। तो एक हम HTML के ऊपर एक CV बनाए अगर, तो हमें कौन कौन से मार्कअप की ज़रूरत पड़ेगी? नंबर एक तो हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो ऊपर है। अच्छा तो हम हेडिंग पे जाते हैं ज़रा, ठीक है ये हेडिंग, मैंने कंट्रोल एफ करके हेडिंग लिखा तो ये डिफाइन HTML हेडिंग और ये H1 to H6 ये लिखा हुआ गया। H1 से H6 का मतलब ये, इसको क्लिक करूँगा ना जब मैं, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करता हूँ ताकि ये पड़ोस में खुल जाए, ये हिले ना पेज अपनी जगह से। तो ये मैं राइट क्लिक करके मैंने अगले टैब में इसको ओपन कर लिया। अब इन्होंने क्या बताया कि भाई द 6 डिफरेंट HTML हेडिंग्स H1 H2 H3 H5 H6, और इसका जो रिजल्ट है वो कैसा होगा वो यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ नहीं है कहीं। अच्छा वेल H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे थोड़ी छोटी है और उससे छोटी H3 है, फिर H6 सबसे छोटी हेडिंग है, ठीक है। अगर ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये बना हुआ नज़र आ गया, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, ट्राई इट योर सेल्फ पे यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा ये W3 स्कूल एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, लोग इसको HTML या वेबसाइट बनाना सीखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं लोग। तो मैं यहाँ पे जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ना तो वो आप W3 स्कूल पे खुद से भी जाके थोड़ा उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्राई इट योर सेल्फ करके ना ऐसे जहाँ पे भी कोड एग्जाम्पल बताई हुई होती है इन्होंने, तो साथ साथ ट्राई इट योर सेल्फ का बटन होता है। अब ये बटन आप दबाते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो एक नए टैब में ना ये पूरा कोड खोल देता है, और यहाँ रन का बटन है। इस कोड में आप कोई भी चेंजेस करेंगे और यहाँ रन दबाएंगे ना तो ये रन हो के आ जाता है सामने, ठीक है। तो ये इन्होंने अच्छा सा एक प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे खेल सकते हैं। अच्छा तो ये हमें पता चल गया कि भाई जिस तरह की भी हेडिंग चाहिए हो, बड़ी वाली हेडिंग फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, 6 साइज़ अलग अलग हेडिंग के मौजूद हैं। तो CV में एक तो बड़ी हेडिंग होगी ऊपर करिकुलम विटाए या जो भी रिज्यूमे जो भी आप हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके नीचे एक होगी कि भाई ऑब्जेक्टिव, वो ज़ाहिर है छोटी छोटी हेडिंग होगी, फिर उसके नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ हेडिंग होगी, फिर वो 4-5 हेडिंग होगी कि वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन बायो और पता नहीं एड्रेस जो भी बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में कॉन्क्लूजन होगा या गोल्स होगा, तो वो हेडिंग हमें पता चल गया। अच्छा और हेडिंग के अलावा क्या चाहिए, और CV बनाने के लिए एक तो हेडिंग्स चाहिए हमें, 6 अलग अलग साइज़ की हेडिंग हमें मिल गई, और कौन सा मार्कअप हमें चाहिए होगा? अंडरलाइन हमें चाहिए होगा, वो हम देख चुके हैं यू से होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी क्या करूँगा, कंट्रोल एफ करूँगा, कंट्रोल एफ करके मैंने अंडर लाइन लिखा, नहीं आ रहा इसमें। अच्छा सिर्फ यू लिखते हैं, पर अच्छा सिर्फ यू लिखने से ना ये लास्ट में बिल्कुल आया है, ये रहा डिफाइन टेक्स्ट दैट। अच्छा इन्होंने यहाँ पे ना जो डेफिनेशन लिखी है ना इसके अंदर ये अंडरलाइन नहीं लिखा, ये अनआर्टिकुलेटेड पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, ठीक है कोई मुश्किल अंग्रेजी लिखी है जो हमें नहीं आती। अच्छा तो ये यू है, अच्छा इसको भी राइट क्लिक किया मैंने, न्यू टैब में ओपन किया, यहाँ पे ये न्यू पे खुल गया। अब यहाँ पे ये देखें ट्राई इट योरसेल्फ करके ना इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। ये देखें एग्जाम्पल कह रहा है ये यू इस पे इतने पे ना यू पे किया हुआ है मार्कअप। अब मैं देखो ट्राई इट योरसेल्फ प्रेस करूंगा तो ये इसको खोल के दिखा देगा, तो इसका रिजल्ट ये कुछ इस तरह का है और ये कोड जो है वो कुछ इस तरह का है कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के दरमियान में किसी चीज़ को इसने अंडरलाइन करके बताया हुआ, क्योंकि आमतौर पर पैराग्राफ के दरमियान में जरूरत पड़ती है, चाहे तो वैसे भी अंडरलाइन कर दें पैराग्राफ ना लगाएं, बट पैराग्राफ के दरमियान में आमतौर पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने वैसे करके अच्छा करके बता दिया अंडरलाइन हो गया। और कौन सा मार्कअप जरूरत पड़ेगी हमें, इटैलिक चाहिए होगा, इटैलिक भी हम देख चुके हैं, आई सही है, आई का टैग है इटैलिक। हाँ बुलेट की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए देखेंगे लिस्ट,
उसके लिए हमारे पास है कि यू। अच्छा, आपने क्या करना होगा, आपको सारे लिस्ट को स्टडी करना होगा कि कौन कौन से मार्कअप हैं और वो सामने उसके वो करते क्या हैं, ठीक है। तो एक UL के नाम से डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी वो बुलेट पॉइंट वाली, एक तो होती है 1-2-3 वाली, ये बुलेट पॉइंट वाली वो अनऑर्डर्ड होती है, और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसके लिए होगा OL, OL, ठीक है, डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको मैं अगर नए टैब में ओपन करके देखूं कि ये कैसे चलता है, इंटरनेट हमारा थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये ओ एल जो है ना कुछ इस तरह से चलता है कि ओ एल ओपन होता है, ओ एल क्लोज होता है, दरमियान में लिस्ट आइटम यानी कि एल आए करके 1-2-3 चीज़ें लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये दो लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, तो ये दोनों लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी 1-2-3 करके नाम होगा इसमें, बुलेट पॉइंट्स नहीं होंगे। अब ट्राई इट योरसेल्फ का बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये देखो मुझे ये दोनों की लिस्ट जो है ना ये बनी हुई नज़र आ गई। अच्छा, ये 1-2-3 से, ये 50 से शुरू है, 50 से इसलिए शुरू है क्योंकि यहाँ पे इसने एक बात लिखी हुई है कि स्टार्ट फ्रॉम 50। अच्छा, अब ये चीज़ हम डिटेल में बुक में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप बुक में, क्योंकि 8 चैप्टर हैं टोटल जो हम अगले इंशाल्लाह एक महीने में हम कवर करेंगे, तो वो तो हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। बट यहाँ से देख के ना, आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास है लिस्ट तमाम HTML एलिमेंट्स की पॉसिबल, आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, आपको मैंने इसका लिंक भी दे दिया, इनमें से HTML के एलिमेंट्स निकाल निकाल के ना जिसकी ज़रूरत पड़ती जाए, एक CV आप बना के ले आएँ नेक्स्ट क्लास में, एक तो हेलो वर्ल्ड है वो तो बना के आपने GitHub में पुश कर दिया, एक अलग से रिपॉजिटरी बनाएंगे आप GitHub के ऊपर, एक अलग रिपॉजिटरी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे आप MyCV, और उसमें आप एक CV बना लें, ठीक है, इसमें से मार्कअप निकाल निकाल के ना जो जो आपसे हो सके एक CV बना लें आप, तो बन जाएगा आप सब लोगों से, क्या ख्याल है। अच्छा, और कौन सा मार्कअप चाहिए होता है, हमें ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों देख लिए हमने, टेबल चाहिए होता है हमें, कंट्रोल FTABLE टेबल, तो ये टेबल आ गया, ये रहा इस, ये डिफाइंस अ टेबल, टेबल एलिमेंट डिफाइंस अ टेबल, तो मैंने टेबल एलिमेंट को राइट क्लिक किया, ओपन न्यू टैब किया, ज़रा आ जाते हैं अब अगले टैब में, ओपन कर लेते हैं, क्या सीन है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी, तो ये टेबल कुछ इस तरह से चलता है, टेबल होता है, टेबल रो होता है, टेबल रो ख़त्म, तो ये एक रो है टेबल की, फिर ये दूसरी रो है टेबल की, ठीक है। नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ये पूरी बात लिखी हुई है कि कैसे चलता है, क्या होता है, ठीक है। ट्राई इट योरसेल्फ का बटन दबाऊंगा मैं तो ये मुझे ऐसे बना के दिखा दिया इसने कि एक पहली रो है, एक दूसरी रो है और एक तीसरी रो है। पहली रो में ये मंथ और सेविंग है, दूसरी रो में जनवरी है और ये 100 है, तीसरी रो में फरवरी और 80 है, ऐसे करके है ना। तो आप देखें यहाँ पे क्या है कि ये टेबल है, टेबल का मार्कअप, ये पहली रो है TR, ये दूसरी रो है, ठीक है, और ये लास्ट में जो है वो तीसरी रो है। अब अगर मैं एक चौथी रो ऐड करनी है इसमें तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करके और एक ये चौथी रो ऐड कर दूँगा, मैं कहूँगा कि भाई डेटा 1 और डेटा 2, तो ये चौथी रो में डेटा 1 डेटा 2 आ जाना चाहिए। ओ, ये मैंने क्या किया, कंट्रोल एस दबा दिया मैंने, कंट्रोल एस नहीं दबाना था, तो देखो डेटा 1 डेटा 2 आ गया। तो ऐसे करके टेबल बना सकते हैं। सॉरी, हाँ, ये TH जो है ना, ये पहली रो है ना, तो इसमें TH का मतलब है टेबल हेडिंग, तो ये पहली वाली में आप देखें वो हेडिंग की तरह से उसको दिखा रहा है, थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो है वो नॉर्मल दिखा रहा है उसको, तो इसको इन्होंने बताया है TD, टेबल डेटा, ठीक है। अब मुझे मिसाल के तौर पे एक तो दो सेल आ रहे हैं ना कि डेटा 1 डेटा 2 करके आ रहा है, मुझे तीन करना है तो मैं एक और TD बना दूंगा इसका, ठीक है। मैंने कहा डेटा 3 करके मैंने रन किया, तो आप देखें यहाँ पे तीसरी रो भी आ गई, ऊपर वाले में तीसरी रो नहीं है तो वो खाली है, ठीक है। तो टेबल भी यहाँ से आप देख के उसको बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो आपका असाइनमेंट क्या हो गया, डन के। अच्छा, और वैसे अलग से गूगल भी कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, है ना। यहाँ से अगर समझना है तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, तो मार्कअप पता चल जाएगा, वहाँ से मार्कअप यहाँ से आके फिर आप देख लेंगे, है ना। समटाइम जैसे अभी अंडरलाइन मैंने लिखा तो वो तो पता नहीं कुछ और ही लिखा हुआ उसने, अंडरलाइन ही नहीं लिखा हुआ, तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे हाउ टू अंडरलाइन इन HTML या हाउ टू हाईलाइट इन HTML, ऐसे करके। अच्छा, तो
एक सीवी बनाने के लिए और कौन सा चाहिए होता है एलिमेंट, कौन सा मार्कअप? मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना, इसमें पूरी सीवी बन जाएगी। अच्छा कलर, वो हम सीएसएस में कवर करेंगे कलर, तो अभी बगैर कलर्स के बनाना अभी कलर। अच्छा कोई अगर लगाना चाहे कलर खुद से लगा ले गूगल करके, तो दैट आई अप्रिशिएट दैट। सही है वंश राम, तो ये जो मैंने जो रिक्वायरमेंट जो बताई है मैंने, सही है ये अच्छे से गौर से सुन लें सब लोग, ये जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है आपको सीवी जो बना के लानी है नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना मिनिमम करना है आपने, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप जितना अच्छा बना सके आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर पहले से थोड़ा बहुत HTML आती है तो वो अपना पूरा एक्सपोजर हमें देगा कि हाँ यार मुझे ये आता है। ठीक है, अगर किसी ने कोई एडवांस किस्म की चीज़ सीखी हुई है तो उसको वो प्रैक्टिस करे असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो आपने अपनी मैक्सिमम लिमिट जो हो सकती है ना आपसे, वो आपने बना के लाना। ये रिक्वायरमेंट मैंने जो बताई है ये मिनिमम बता दी, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।